करण सजलानी ने विजय शर्मा नाम की किसी व्यक्ति को शिलोंग भेजने के लिए बुक किया था। नौ जनवरी के दिन करण सजलानी जो बांद्रा में रहते हैं उनके घर पर रेड की गई और एनसीबी ने पत्रकारों को बाकायदा प्रेस रिलीज निकालकर 200 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस तरह से खबर आप लोगों को 9 तारीख को दी गई। उसी 9 तारीख के दिन एनसीबी के अफसर के नंबर से सभी पत्रकारों को एक प्रेस रिलीज और 4 तस्वीरें दी गई, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। नंबर 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 ये आप देखिए, नंबर है 9821111409। इसी नंबर से तस्वीरें दी गई 4 और ये प्रेस नोट निकाला गया है कि इस तरह से एक ब्रिटिश नागरिक को हमने गिरफ्तार करने का काम किया है और उसको बड़े पैमाने पे कवरेज देश के चैनलों पे और अखबारों पे आप लोगों ने प्रसारित करने का काम किया। नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर से ही सारे लोगों को मैसेजेस दिए गए। फिर से नंबर देख लीजिए आप, 9821111409। लाइट चालू करो। जो तस्वीरें थी वो रिपब्लिक टीवी पे चली, वो तस्वीरें अलग अलग मीडिया में ऑनलाइन छपी। उसके बाद 9 जनवरी के दिन लाइट चला। 9 जनवरी के दिन एक लड़की लाइट चला 9 जनवरी के दिन एक लड़की के पास से 7.5 ग्राम गांजा पकड़ा गया। साइस्ता फर्नीचर वाला का नाम सामने आया है, 7.5 ग्राम। और उस महिला को उसी दिन जमानत दे दी गई। उसी के साथ साथ रेड की गई प्रिंस पान न्यू दिल्ली। उसी के दिन रेड की गई हाउस ऑफ पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई रॉयस पान नोएडा। उसी दिन रेड की गई सांझा पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई पंचायत दिल्ली नितिन बेंगलोर, जीतू हर्बल टबैको, मुच्छड़ पान वाला और समीर खान के यहाँ जो मेरा दामाद है, उसी दिन उसको, अभी उसकी बात नहीं करता हूँ। उसके बाद रामपुर में एक रेड हुई और जिसकी भी जानकारी एनसीबी ने दी और वो सारी खबरें आप लोगों ने चलाई। एक उसकी जानकारी के लिए एक में, लेकिन 27 तारीख के दिन एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने समीर खान और उसके साथ दो अन्य सह आरोपियों को करण सजलानी और रहला फर्नीचर वाली को 8.5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत देने का काम किया।
उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जो एक रिटर्न ऑर्डर होता है वो जज साहब के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। कल सवेरे 11 बजे जो कोर्ट का पोर्टल है ऑनलाइन, उस पोर्टल पे जस्टिस जोगलेकर जी का ऑर्डर लोड हुआ और जोगले सर करके जज साहब के ऑर्डर लोड होने के बाद हम लोगों ने उसे ऑनलाइन लोड करने के बाद चीज़ें पढ़ी। उसको मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह से हमारे मीडिया में मेरा नाम लेकर पूरी खबरें 8.5 महीने चली, मेरे दामाद को 8.5 महीने जेल में रहना पड़ा और एक उनकी बीवी जो मेरी बेटी है वो अलग ट्रॉमा में थी, उसके दो छोटे छोटे लड़के जो अलग तरह से उनके दिमाग पे असर हुआ, वो समाज में किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ या मेरे घर पे या मेरी दूसरी बेटी है उसके घर पे या घर के 4-6-10 लोगों के अलावा वो किसी से मिलते नहीं, इस तरह का हालात घर में है। लेकिन कल जो आदेश आया उससे पहले की घटनाक्रम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सभी साथियों को पता है कि 8 जनवरी 2021 के दिन एनसीबी ने पत्रकारों को बताया कि जो भी मुकदमा बनता है वो साइस्ता फर्नीचर वाला का है, जिसे आपने सेम डे जमानत देने का काम किया। लेकिन ये सारा चीजें चलती रही, फिर भी और भी कहीं से लिंक जोड़ा जाए तो रिया चक्रवर्ती में जो केस था उसमें भी करण सजलानी को इन्वॉल्व कर दिया। साइस्ता फर्नीचर वाला, राहिला फर्नीचर वाला जो एक्यूज है उसको इन्वॉल्व कर दिया। जो रिया चक्रवर्ती केस में एक आरोपी है उसको इस केस में डाल दिया। टोटली मैलिफाइड इंटेंशन से चीजें की गई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट की रिपोर्ट है। मैं आप लोगों के साथ आदरपूर्वक ये भी बताना चाहता हूं कि 14 तारीख के दिन हमारे दामाद बेटी के घर पे सर्च के लिए लोग गए, बेटी के पैर में चोट लगा था, मेरे घर पे आ गई थी, फोन आया कि कुछ लोग घर चेक करने के लिए, दफ्तर चेक करने के लिए आए हैं, आप आइए। बेटी गई, दोपहर तक सर चलता रहा, 2-3 बजे तक सारे चैनल पे यही दिखाया जा रहा था कि बड़े पैमाने पे गांजा बरामद हुआ है, लेकिन घर पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं मिली। फिर भी टीवी को बताया गया, रिपब्लिक टीवी को देख लो चल रहा है, न्यूज एक्स पे चल रहा था, अलग अलग चैनलों पे कि गांजा बरामद हुआ, गांजा बरामद हुआ, इस तरह से चीजें की गई। सिलेक्टिव खबरें लीक करके लोगों को बदनाम करने का काम एनसीबी करती है। ऑर्डर पंचनामा मैं आपको दे दूंगा, आप लोग उसमें पढ़ लें। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता क्लाइस पास्टो जी चौहान जी और इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार भाई और बहनों, आपको सवेरे सवेरे कष्ट दिया गया, कुछ अधिक जानकारी मुहैया कराने के लिए। जैसा कि आप अवगत हैं
पिछली 6 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे, जिसमें केपी गोस्वामी का मामला था, मनीष भालूशाली का मामला था, बीजेपी के नेताओं से उनके संबंध का मामला था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने मेरे दामाद का सवाल मुझसे पूछा था। उस समय भी मैंने कहा था कि 13 जनवरी के रोज जब समीर खान की गिरफ्तारी हुई, सारे मीडिया के लोगों को मैंने जवाब दिया था कि कानून से कोई बड़ा नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्याय व्यवस्था में मुझे पूरा विश्वास है। ये बयान उस समय हमने 13 जनवरी को दिया था। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इतना ही कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात कर रहे थे सारे देश के चैनल पर कि नवाब मलिक का दामाद ये ड्रग डीलर है, उसकी गिरफ्तारी हुई, खुन्नस में ये इस तरह का एनसीबी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अफसोस की तो बात यह है कि एक माजी मुख्यमंत्री भी अलग से वीडियो बनाकर उन्होंने मुझ पर हमला करने का काम किया राजनीतिक। लेकिन 27 यूनियन पार्क के पास और रात में 10 बजे सम्मन आने के बाद 10:30 बजे हमारे दामाद को मिलता है और 13 तारीख के दिन 10 बजे बुलाया गया और समीर खान 9:45 बजे एनसीबी कार्यालय में पहुंच गए। कार्यालय पहुंचने के साथ सारे कैमरा के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे, सारे चैनलों पे खबरें चलने लगी कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन और उसकी तस्वीरें सारे चैनलों पे दिखाई जाने लगी। शाम होते होते फिर खबर आई, फिर उसी नंबर से लोगों को मैसेज दिया गया कि 27A में समीर खान ये ड्रग पैडलर है, बड़ा रैकेट चलाता है, इंपोर्ट करता है और उसे 27A में गिरफ्तार कर लिया गया। एज यूजुअल हम लोग गए वहाँ से जेल कस्टडी हो गई, जेल कस्टडी के बाद हमने जमानत याचिका लगाई, याचिका रिजेक्ट हो गई, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में 6 महीना जिस दिन पूरा होने वाला था उस दिन सुनवाई लगी और एनसीबी ने कहा कि हम 7 तारीख को चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। 3 महीना पहले वाला 7 तारीख, जिस दिन 6 महीना गिरफ्तारी के बाद, 9 तारीख के बाद जो 6 महीना पूरा हो रहा था, 7 तारीख के दिन उस दिन चार्जशीट फाइल करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अब लोअर कोर्ट में जाइए। फिर लोअर कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन लगाई। 3.5 महीने एनसीबी ने टाला टाल करने का काम किया। तारीख लगती तो सर पांडे नाम के एक वहां पे पीपी है, वो कहते हैं कि आज मुझे टाइम नहीं है। जज साहब ने कहा कि कल सुन लेते हैं, बोले कल मैं आऊंगा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उस सुनवाई को 3.5 महीने तक चलाना पड़ा और एनसीबी ने भरपूर कोशिश की कि जितना टाइम बाय हो सकता है इसमें किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली जमानत हो गई और 12 तारीख के दिन जज साहब ने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद कल लोड 13 तारीख के दिन हुआ और चीज़ें आई। वो चार्जशीट जो है, वो जो ऑर्डर है,
क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है, जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। आप पूछेंगे क्यों किया गया? करण सजलानी को पकड़ा तो एक खबर आ गई कि ब्रिटिश नागरिक को 200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, हाइप हो गई। राहिला फर्नीचर वाला जो एक लड़की है गरीब घर की, जिसकी 6 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तमाम बहनें अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं, घर में साबुन बनाती हैं। किसी जमाने में दिया मिर्जा के यहाँ नौकरी करती थी, आप लोगों को खबर दी गई कि ये दिया मिर्जा की सेक्रेटरी को हमने पकड़ा है, फिर वो हाइप हो गई पब्लिसिटी। उसके बाद नवाब मलिक का दामाद तो और चेरी पिक हो गया, पूरे देश में खबरें चलने लगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दरमियान हमने कभी भी दामाद के निर्दोष होने की बात नहीं रखी, हमने यही रखा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा पत्रकारों की जानकारी के लिए। कुछ फोटोग्राफ है जो 9 तारीख के दिन जो लोगों को दिए गए, ये सारी फोटोग्राफ देखिए। नहीं, पहले वाली दिखा, उसके पहले, ये सारी फोटोग्राफ जो उस नंबर से आप लोगों को दिए गए। इस फोटोग्राफ में आप देखिए, एक कुर्सी दिख रही है, फ्लोरिंग दिख रहा है। ये मुद्दा हमने कोर्ट में उठाया कि जो सीजर होता है वहां सीजर करके उसे सील किया जाता है और कोर्ट की परमिशन से खोला जाता है। ये तस्वीर साफ बताती है कि ये तस्वीरें एनसीबी के कार्यालय की हैं। कुर्सी का रंग देख लो, फ्लोरिंग देख लो। दिखाओ भाई जो हमने बाद में फोटो मंगवाए, दूसरे फोटो मंगवाए। देखिए वही कुर्सी, वही फ्लोरिंग। ये जब कोर्ट में हम लोगों ने मामला उठाया तो सर पांडे साहब जो पीपी हैं उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे रिश्तेदारों को अलाउ किया, उन्होंने तस्वीरें खींच ली होंगी। हमारे वकील ने पूछा कि तस्वीरें उन्होंने खींची, एक्सेप्टेड। लेकिन ये सारा जो सीजर है वो कैसे खुला हुआ, इसका जवाब दीजिए, बताए इसमें किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जमानत हो गई और 12 तारीख के दिन जज साहब ने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद कल लोड 13 तारीख के दिन हुआ और चीजें आई। वो चार्जशीट जो है, वो जो ऑर्डर है, मैं आप लोगों को अभी उस पर शेयर करता हूँ। उसके अंदर 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम साइज था। फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मैरिजुआना है। 1 किलो वेजिटेटिव है, इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैं वो भी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सीए रिपोर्ट करूंगा। बाकी सारी चीजें, ये हर्बल टोबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं सीए रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूं। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है एनसीबी, वो तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है, ये बड़ा अचंभव का सवाल है। मेरी जानकारी है कि इस तरह के केसेस में जो भी एजेंसीज काम करती है उनके पास इंस्टेंट टेस्टिंग का एक किट होता है, जिससे टीएससी केमिकल लेवल देखकर वो तय कर सकते हैं कि ये एनडीपीएस एक्ट में कवर होने वाली कोई पदार्थ है या नहीं। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें उन्होंने चेक की,
गांजा नहीं था और लोगों को फ्रेम करने का काम किया गया, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी तरह से ये जो कोर्ट की रिपोर्ट है ये कहती है। जो धाराएं लगाई गई 27A की वो लागू नहीं होती। जो भी मुकदमा बनता है वो साइस्ता फर्नीचर वाला का है, जिसे आपने सेम डे जमानत देने का काम किया, लेकिन ये सारा चीजें चलती रही। फिर भी और भी कहीं से लिंक जोड़ा जाए। तीन लोकमत का जरा वीडियो चलाओ, न्यूज 18 लोकमत चलाओ पूरा। आगे आगे भी इसमें ऐसा कहा गया कि कानपुर में छापा डाला गया और दो तीन जगह पे छापा डाला गया, ये सारी खबरें एनसीबी के माध्यम से पत्रकारों ने चलाई। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरा दामाद जो बांद्रा में रहता है, 9 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी, सारे परिवार को हम लोग साथ में खाना खाने जाते हैं, हमने खाना खाया और 13 तारीख के दिन उसके बाद मुझे एक पत्रकार साथी है, उनका फोन आया कि सुबह लगभग 9:30-10 बजे कि आपके दामाद को एनसीबी ने कोई सम्मन किया है क्या, कोई ड्रग के मामले में। मैंने वो कहा कि उसे क्यों सम्मन करेंगे, ऐसा गलत है, अगर कुछ है तो मामला गंभीर हो सकता है। बारह तारीख के रात में एनसीबी ने सम्मन दिया जो